अब हम जा रहे हैं वकील बाजार के अंदर। आप देख रहे हो कि बाजार ऊपर से बंद है और सलाम साहब कारपेट शॉप के मतलब सर आई एम फ्रॉम इंडिया। या बिल्कुल बढ़िया है। थैंक यू, थैंक्स लॉट। ही ट्राई टू स्पीक हिंदी हिंदी ही थिंक वी आर फ्रॉम मलेशिया। वाओ, सब कपड़े की दुकान है यार, कपड़े की दुकान बड़ी मस्त मस्त है। Cushions. What is this? Bye, bye, sir. Salam. Salam, salam. They're nice, sir. Yeah. कितने प्यारे cushions बने हुए हैं। Yeah. All these are handmade. So ये actually Iranian जो real art है। यार यहाँ पे ना जैसे ये नीम का पत्ता है, नीम का पत्ता है ये है, तो ये सारी पीस पीस के ना और रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हर्बल चीज़ें यूज़ की जाती है ईरान में। इवन आप देखोगे गुलाब के फूल हैं, कली को तोड़ तोड़ के उसको सुखा के उसको उसका पेस्ट बना के यूज़ करते हैं। बहुत लंबा है यार वकील बाज़ार, तो किलोमीटर लंबा होगा और पूरा छत छपी हुई है इसकी। Anyone? कुछ खाया जाए अभी, पूरे सवेरे से कुछ नहीं खाया जाए, कुछ खा के फिर दोबारा घूमना शुरू करेंगे। तो वैसे तो कहते हैं लड़की साथ में होना तो खर्चा तो बढ़ता है, पर खाने की चीज़ें तो मिल जाती है। सिराज की हिस्ट्री के बारे में तो मैं ज़्यादा सा नहीं जानता, पर हमारे अम्बेसडर साहब ने मुझे काफ़ी कुछ बताया था सिराज के बारे में, जितना बताया था उससे बहुत ज़्यादा है, और मुझे शायद आज की रात यहाँ रुकना पड़ेगा ताकि मैं इसको पूरा कंप्लीट कर सकूँ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कोई भी कमियाँ वो कमेंट करके बताइएगा, और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ वहाँ के कल्चर से आप लोगों को रूबरू करवाऊँगा धीरे धीरे। एक्चुअली अभी तक मैं फ़्लो में नहीं आ पाया था, और अब फ्लो में आ रहा हूँ तो कर देंगे, हम बहुत कुछ करेंगे। और ये मोहतरमा पे कंटिन्यूसली वीडियो बना रही है मेरा, कि पता नहीं क्या बताते हैं चाइनीज लोग है ना, जैसे सेल्फी एक्सपर्ट। I'm making a documentary about you now. वो मेरे बारे में डॉक्यूमेंट्री बना रही है, उसने कुछ 5-4 मिनट का वीडियो बना के अपने टाइमलाइन पे डालना होगा, तो वो इस बारे में बना रहे थे। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर योर कोऑपरेशन है। एंड अभी हम यार वो दो एक क्रोएशिया का भाई हो रहा है डेविड, वो अंदर गया हुआ है एक्चुअली, वो उसके पास बैग था अपना सामान रखने गया है, तो उसका वेट कर रहे हैं और फिर हम लोग लंच करेंगे आज। To a certain degree, the social media is quite open, but not about politics. Yeah. You can discuss anything, like social issues. की बात ये हुई है कि ये चप 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 एक मिनट में इसने ये बताया कि सरकार है चाइना की, वो अच्छा काम कर रही है ओवरऑल, तो इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए बंदिशें हैं, पर बंदिशों के बावजूद भी हमें अच्छा लगता है कि हम इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे हैं। तो आप इनसे मिल चुके हैं, इज अ डेविड फ्रॉम क्रोएशिया। Yes, I'm from Croatia. And so what's your name, though? Anatoly. Anatoly, from France. Yeah. तो अभी हम चारों लोग आए हैं बक 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 करने के, खाना खाने के लिए। तो जस्ट खाना इंजॉय करेंगे, और आप सोच सकते हो कि एक ये इंटरनेशनली आपका फ्रीडम होता है कि आप चार देशों के लोग एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं। नेम ऑफ ड्रिंक। Hi. Hello. Hi, nice to meet you. Are you happy with your meal? We don't try it. You see, it's all. She's a chef. Oh, she's a chef. Yeah. Oh. So you should wait a little bit, and then you should wait. कितने फ्रेंडली है ईरानी देखो ना, वो उन्होंने रोका कि यार सेफ आई हुई है, अगर खाने में कुछ दिक्कत है तो आप। I don't know what it's called in English. But in your language? Sure. In my language, it's here. It's here. Top shower is here. And this one? This
This one is the salad. Caesar. And Caesar. This one we call it shami. Shami is it's mix of meat and also let me. I'm not sure about the ingredients. Okay. अब हम चार की जगह पांच हो गए हैं. एक कन्या ने और ज्वाइन कर लिया. तो अब हम चार से पांच. पांच लोग घूमने जाएंगे. कौन सी जगह जाएंगे वो मुझे भी नहीं पता. अभी हम आए हैं 20-25 किलोमीटर सिराज से निकल के एक लेक है जिस लेक का नाम है पिंक लेक. पिंक लेक इज देयर देयर पर इसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो पिंक आ रहा है. पर ये नमक बनाया जा रहा है. ईरान का नमक खाया है भाई. अब तो अदा करना पड़ेगा. यहाँ तो आना पड़ेगा. लेक है इसमें पानी चल रहा. बोट वोट हैं पर अभी शायद सारी बोट वोट बंद हैं. मुझे तो कोई ज़्यादा डीप पिंक वाली चीज़ें नहीं लगी. पर ये शायद एक तो साल्टी है और एक चारों तरफ पहाड़ हैं. वो सूखे पहाड़ हैं उसका रिफ्लेक्शन की वजह से ये पिंक पिंक दिख रही है. और आज रात को सिराज में ही रुकेंगे. एक हॉस्टल लेंगे और कल फिर आसपास की किसी जगह पे घूम के और कल शाम को हम अस्फान चले जाएंगे. कहाँ अंग्रेज़ों के चक्कर में पड़ गया यार मैं. वो फ्रेंच वाला भाई बोला कि यार पिंक सी वो लेक देख के आएंगे तो उस चक्कर में आ गया. बीरो बसंती बसंती वीरू बसंती को सब पूरी दुनिया जानती है भाई. तो गब्बर सिंह को वीरू बसंती दोनों को भी जानने लग गए हैं अभी. धन्यवाद आपका इंडियन सिनेमा जो विश्व में आपकी पहचान है. उसको देख के लगता है कि इंडियन सिनेमा को पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है. ये किसी फेमस पोइट की समाधि है यहाँ पे जहाँ पे अब हम आए हैं. प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हर जगह 2 लाख का पर्चा काट देते हैं. 200 का मतलब है 100 रुपये की फ़ीस है हर जगह. आप जहाँ भी जाओगे 100 रुपये की आपको फ़ीस. संतरे देखे यार कितने लग रहे हैं हर जगह. संतरे. ये एक बहुत बड़े सूफ़ी कवि हुए हैं और जिनकी ये समाधि है. और इनके सूफिज़म का जो डंका बजाने वाले कह देते हैं ना वो ये थे भाई. तो इनकी वजह से सूफिज्म यहाँ पे जिंदा. As you can see that's the tomb which is this present tomb which is built by André Godard a kind that's a French yeah yes, exactly okay. French architect yeah, yeah, yeah. But the more interesting thing about here is half his character. Right, he was a super and again super cool. ये हाफिज जी कोई पोइट थे यहाँ पे. उनके बारे में कहा गया. उनकी हाफिज की किताब है. उस किताब का कोई भी पन्ना खोलोगे और आपके मन में कोई विचार है तो वो उसका आंसर उस पेज पे मिल जाता है. तो हाफिज ने ऐसा लिखा था उस किताब को. ईरानियन जो ट्रेडिशनल रोटी है वो रोटी बनाते हैं कैसे बनाते हैं दिखाते हैं. तंदूर 10,000 रियाल की एक रोटी मिली है भाई. तो इससे नियर बाई $1 ₹60 की एक रोटी है. $10,000 इज इक्वल टू 1,000 तोमान. तो मतलब इससे 7 or 8 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के हिसाब से. पर मज़ा आ रहा है.